जो कैंडिडेट है वो निकल जाए दल से, मंत्री पद से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा, भाग के क्या करेगा, कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। बड़ी पीछों झोर, बड़ी पीछों झोर, जय बार बड़ी लेगा वही बार झोर, ये सब नहीं चलता है पार्टी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद की होने वाली 24 सीटों के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी में सीटों का बंटवारा हो चुका है, वहीं आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने भी यह दावा कर दिया है कि वो अकेले 24 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर जब आज हमने जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल से बात की तो उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। टूटेगा जी, बढ़िया से 5 साल तक सरकार चलेगी, इसमें दो मत नहीं है। और मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया इनको दल से लड़ो, तो भाग के क्या करेंगे, कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो MLC सीट मांग रहे हैं 24। अरे क्यों देगा MLC सीट उसको, क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया। बड़ी पीछों झोर, बड़ी पीछों झोर, जय बार बड़ी लेगा वही बार झोर, ये सब नहीं चलता है पार्टी में। बोला सर हमारी चलते सरकार आपका है सरकार? नहीं नहीं, सरकार नहीं है वो, जितना उनका कैंडिडेट था सब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, तो उसका कैंडिडेट है ना, वो निकल जाए दल से, मंत्री पद से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा, उससे टूटना फूटना नहीं है। मांझी जी भी इधर, मांझी जी समझदार व्यक्ति है, हर बात उनको मंत्री बनाए, उनके बेटों को लाए, सबको लाए, ये सब बात है। अब बहुत कुछ खोजे जाए तो नहीं मिलेगा, जो कदबा रहेगा वही दिया जाएगा, जितना बड़ा चादर रहेगा उतने बड़ा फैलाइए ना पैर भाई, ये सब नहीं। सरकार टूटने वाले, सरकार 5 साल तक जम कर चलेगी। सर विशेष राज के दर्जे के लेकर जदयू विशेष राज की दर्जा जदयू आदरणीय नीतीश कुमार ने आज से नहीं मांग कर रहा है, बहुत दिन से मांग कर रहा और देना चाहिए। ये अति पिछड़ा कहने मतलब गरीब है, अति पिछड़ा है, इस टाइप का है हमारा बिहार, निकम्मा है, कोई चीज़ बिहार में है नहीं, इससे बदतर स्थिति तो नीतीश कुमार का देन है जो खुशहाल बना के रखा है। नीतीश कुमार बिल्कुल प्रधानमंत्री को देना चाहिए विशेष राज का। तो आपने साफ तौर पे सुना जेडीयू के MLA गोपाल मंडल का कहना है कि मुकेश सहनी की पार्टी जो है उसमें जितने भी विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके पास तो एक भी कैंडिडेट नहीं था, उसके बाद भी बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया, अगर वो कहीं चले जाते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों पहले जहरीली शराब से कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है बिहार के अलग अलग जिलों में, उसको लेकर भी उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर लोग जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।